राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में डीएसपी के बेटे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर करणपाल गोधरा को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा हिरासत में मौजूद दो अन्य सब इंस्पेक्टर से भी पूछताछ की जा रही है। उनकी भूमिका साफ होने पर ही उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में दर्ज एफआईआर में एसओजी ने 40 लोगों को नामजद किया है। एफआईआर नंबर 10/2024 जो थी उसमें 14 मुलजिमानों को गिरफ्तार करके एसओजी ने पेश किया। 420 और 120 बी आईपीसी का और आईटी एक्ट का और परीक्षा अधिनियम की धारा 3/6 का मामला था, उसमें पेश किया था। एसओजी की तरफ से 12 दिन का पुलिस कस्टडी मांगी गई थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन का पुलिस अभिरक्षा में मुलजिमानों को भेजा है। 12 तारीख को पेश करेंगे, 12 मार्च को। जब कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट के सामने क्या पक्ष रखा एसओजी ने, आरोपियों की तरफ से क्या कहा गया? सब हमने आरोपियों की तरफ से तो वो अधिवक्ता अभियुक्तगण जो है उन्होंने तर्क दिया कि साहब हमारा इलीगल डिटेंशन रखा गया है, हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए पुलिस कस्टडी नहीं दी जाए। लेकिन मैंने और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे उन्होंने हमारा पक्ष रखा कि जो है अभी हमें एविडेंस कलेक्ट करनी है और जिन जगह ये लोग पैसे दिए हैं, पेपर किस प्रकार से इन्होंने प्राप्त किया, किस सोर्सेज से प्राप्त किया, किस स्थान से प्राप्त किया, इन समस्त बातों का इन्वेस्टिगेशन जो है करना है और एविडेंस कलेक्ट करनी है, इसलिए पुलिस कस्टडी दी जाए। और कोर्ट ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि आपने जो है ये जो इनको इलीगल डिटेंशन का जो अधिवक्ता अभियुक्तगणों ने आरोप लगाया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस एसओजी पे, तो उसके लिए कहा कोर्ट ने कि आप अपना इसमें स्पष्टीकरण पेश करें। तो हमने कोर्ट में अपना तर्क भी दिया है कि कोई इलीगल डिटेंशन नहीं है, उसको लीगली तरीके से उनको पूछताछ के लिए, अनुसंधान के लिए लाया गया था। और जब प्राइमा फेसिया उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस गिरफ्तारी लायक हो गए तो उनको गिरफ्तार करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया गया था। ये बताइए कि जो धाराएं दर्ज की गई जी, उनमें कुछ धाराएं जमानती भी है, छल की धारा है 419, 420, हाँ। तो इन धाराओं में क्या सजा का प्रावधान है? देखिए ऐसा है कि 419 का अवेलेबल ऑफेंस है, लेकिन उसके साथ 420 है जिसमें 7 साल तक की सजा है। और परीक्षा अधिनियम की जो है आप सजा की के ऊपर नहीं जा करके इसकी गंभीरता के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा सामाजिक अपराध है। समाज में कितने योग्य लड़के जो थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ इन लोगों ने एक सिंडिकेट क्राइम, एक संगठित अपराध के रूप में किया जा रहा है। और तो इसलिए आरोपियों के जो अधिवक्तागण थे उन्होंने ये ऑनरेबल कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि साहब हमको जो है 3 मार्च को 4 मार्च को यहाँ ले आए और हमारा इलीगल डिटेंशन कर रखा था हमारे अक्यूज्ड का। तो उसमें हमने हमारा तर्क दिया कि हम पूछताछ के लिए लेके आए थे। दरअसल सितंबर 2021 में 859 पदों के लिए आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर राजधानी जोधपुर के एक परीक्षा केंद्र से चुरा कर आउट कर दिया गया था। नकल गैंग ने इस पेपर को हासिल कर अभ्यर्थियों से लाखों रुपये वसूले थे। एडीजी बीके सिंह के मुताबिक सभी जोधपुर, चूरू, जालौर, सांचौर, बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने आगे बताया कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा का पेपर जयपुर के हसनपुरा के पास एक निजी स्कूल से लीक हुआ था। इस मामले में 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक आरोपी राजेश खंडेलवाल है जो हसनपुरा से शांतिनगर स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एसआई भर्ती परीक्षा के परीक्षा केंद्र का अधीक्षक था। राजेंद्र ने ही सेंटर से पेपर लीक करके पेपर लीक गिरोह के एक सदस्य को दिया था। फिर वहां से पेपर लीक गिरोह ने अन्य सदस्यों को इसे फॉरवर्ड कर दिया और इस तरह से पेपर पूरे राजस्थान में लीक हो गया। अब इस मामले में डीएसपी के बेटे समेत 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखते हैं मामले में आगे क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।